ठीक है। अब अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही शुरुआत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि जैसे अपन लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे अपन लिखते हैं कि भाई लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स लिखे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम अपन चेक करते हैं। तो जैसे अपन ने लिखा था कि भाई Fe है ना, Fe है अपने पास, तो Fe का एटमिक नंबर तो 26 होता है। तो सर इसमें आप लिखते हो 1s2 2s2p6, बार बार 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 3s2 p6, 4s2 3d6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया हुआ है। अगर यहां पर इन दोनों के बीच में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं लिखा, मतलब ये भी 2 है, ये भी 3p है, लेकिन ये 3d है क्योंकि आपको मैं बीच में 4s लिखा आपने, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होता है। अगर मान ले मैंने आपसे कहा कि मेरे पास Fe+2 है, तो ये 26 की जगह अपन को -2 लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो अब मैं 6 की जगह लिखूंगा 24। तो अब क्या होगा कि इधर तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करूंगा या फिर इससे रिमूव करूंगा, ये डिसाइड करना है। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट तो अपन को पता है कि आप ARB लिख सकते हो, आर्गन ना ऐसे, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप AR लिख सकते हो उसमें। तो AR अगर आप लिखोगे तो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप इसमें 4s2 भी लिख सकते हो और इसमें 3d6 भी लिख सकते हो। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, मैं इससे रिमूव करूंगा या फिर इससे रिमूव करूंगा, वो डिसाइड करना है कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करूंगा, है ना। तो किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे अपन, इससे या इससे? तो अपन कहेंगे देखो, जिसका एनर्जी लो होगा जिससे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, वो उतना ही कम न्यूक्लियस से बॉन्डेड होगा, और जितना कम ये न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा उतना ही ईजी होगा इसको निकालना, तो इसका मतलब है अगर शेल का नंबर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कम अट्रैक्टेड होगा। तो शेल का नंबर बड़ा तो एस के लिए फोर्थ शेल है, तो पहले अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा अगर आप Fe2+ बनाना चाहते हो। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो ये अपने लिए 4s0 हो जाएगा। अब अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जीरो को लिखना जरूरी नहीं है। तो अपन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, AR 18 इलेक्ट्रॉन और लिख देंगे अपन 3d6 ऐसे। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, अगर मान लो मेरे पास ऐसे के बने Fe+3 लिखूंगा तो फिर, तो अपन कहेंगे अगर आप Fe+3 लिखोगे तो फिर ये 23 लिखूंगा मैं, और यहां पर AR लिखूंगा। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 2 तो इससे रिमूव करूंगा और 1 इससे रिमूव करूंगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गए, अब तो ये निकाल चुका हूं मैं इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अब इससे निकालूंगा। तो फिर मैं इसको अब 4s लिखना जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 3d5 ऐसे। तो अपन इसमें ये लिखना जरूरी नहीं है, अपन आप ऐसे लिखो, इट विल बी द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये 18 तो फिर दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन किस में से ज्यादा स्टेबल? +3+ वाले आयंस में से ज्यादा चार्ज वाला तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज़ वो डी में अपन को हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का स्टेबिलिटी भी बताना होता है। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, तो इसमें 5 है, मतलब जस्ट आधे हैं, तो भी स्टेबिलिटी वैसे बता सकते। तो अभी मैंने स्टेबिलिटी की बात ही नहीं की, अभी तो अपन सिर्फ ये देख रहे हैं
कि भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे करेंगे। तो अगर मान लेते हैं अपने पास सर ऐसे के बने, अपने एग्जांपल ले लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, तो अब आयन को रिपीट कर सर सर 4s0 4s0 रिमूव करने के बाद वो क्रोमियम का लगेगा ना, लेकिन फिर कॉन्फिगरेशन किसका कि थोड़ा जोर से बोला Fe+2 में अगर मतलब हम लोग 4s2 रिमूव कर देंगे तो फिर वो ऐसे मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। नहीं, अपन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम का आ गया, एटॉमिक नंबर अपना क्रोमियम के बराबर आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम का नहीं कहेंगे। भाई आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के बताओ फिर क्रोमियम का, तो अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई अच्छा 24 हो गया तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, नहीं अपन कहेंगे एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू क्रोमियम, क्रोमियम का 24 होता है Fe2+, बस ये लिखेंगे। अब अगर मेरे पास Ni होता है, ये 28 है, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो अपन लिखेंगे Ar, ये तो 18 हो गया और 4s2 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा। तो Ni अगर मैं +3 लिखता हूं तो अपन कहेंगे सर कोई बात नहीं, आप दो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर लो और फिर एक इससे रिमूव कर लो, तो अपन कहेंगे भाई देखो, और अगर Ni +3 लिखा तो 25 हो जाएगा, तो अब 25 हुआ तो Mn के बराबर हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, मैं तो इलेक्ट्रॉन निकाल के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के बताना है, तो 4s0 हो जाएगा और 3d7 हो जाएगा, तो 4s लिखना जरूरी नहीं है, सीधा 3d7 लिखो आप, ऐसे लिखो आप 3d7, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यस, तो अब अगर अपने पास ऐसे गिवन है, मान लो अपने पास ऑक्सीजन गिवन, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो ऐसे होगा 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अगर मैं तुमसे कहूंगा मैं ऑक्सीजन -2 लिखता हूँ, तब तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 होगा तो अपन लिखेंगे 1s2, 2s2 और p6 हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अब इसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के बताओ सर, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मान लो मुझे मैग्नीशियम के बने, तो मैग्नीशियम के लिए मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो तुम लोग बताओ मैग्नीशियम के लिए कैसे लिखोगे, तुम लोग लिख के बताओ मैग्नीशियम के लिए Ne3H2। अच्छा, बड़ा जल्दी मतलब बता दिया यार तुम लोग, तो बड़ी जल्दी जल्दी बताते हो, ठीक है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा यार। चलो अच्छा देख, ये 1s2 लिखा, ये आपने 2s2 लिखा, आपने p6 लिखा और उसके बाद 3s2 लिखा, राइट? तो आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और p6 लिखा, 3s0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आपने मुझे बता दिया कैसे लिखना है, कुछ और अगर आपको पूछना है तो पूछ लो। मान लेते हैं अपने पास कॉपर है, और ये कॉपर जो है, एक मतलब ना कॉपर की जगह मैं कोबाल्ट लिखता हूँ, मान लो अपने पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट होता है COSA, ठीक है, ये 27 होता है, तो अगर मैं कोबाल्ट +2 लिखता हूँ तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या क्या होंगे, कोबाल्ट का आर्गन ब्रैकेट में लिखेंगे फिर 3d7m4s2। लो भाई, कह रहे हैं 4s2 और 3d7 लिखेंगे, और इसमें अगर अपन लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो फिर क्या लिखे अपन, AR और 3d7, सिर्फ 3d7 लिखेंगे ना अपन को मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और लिखते हैं फिर अपन बात करते हैं कि अपन को और, मान लो अपने पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम इज 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, स्कैंडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ और स्कैंडियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन, 2 मतलब 19 हो जाएगा इसमें और इसमें 18 हो जाएगा, बोलो भाई। स्कैंडियम का आर्गन लिखना है पहले, फिर 4s2 लो भाई,
और इसमें आर्गन और आर्गन 3D1 3D1 ना, ठीक है। और इसमें इसमें तो सिर्फ आर्गन आ जाएगा तो इतना तो नहीं लिख सकते अपन, तो अपन इसको पूरा वो लिख सकते अपन ऐसे लिख सकते हैं अपन नियॉन लिख सकते हैं, नियॉन के 10 हो गए, फिर अपन लिख लेंगे भाई ये 10 हो गया तो अपन 3s2 p6 ये तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये बताना था मुझे। अब अपन एक काम करते हैं, इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर देखते हैं अपन, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं। सर एक डाउट है। बोलो सर, लास्ट फेज में जब स्कैंडियम प्लस 3 था तो उसका 18 जब हो जा रहा था 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने से, तो हम AR 18 से रिप्रेजेंट कर सकते थे ना आगे, तो फिर उसको क्यों नहीं लिख सकते। ना 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 ना, अपन क्या करेंगे ना बेटा, जैसे अपन ऐसे नहीं लिख सकते। अब जैसे ये था तो इसको लिख देते आप नियॉन, इतना लिखने की जरूरत क्या है। आप ना लास्ट वाले छोड़ के आपको ये ऑर्बिटल कुछ तो लिखने ही पड़ेंगे, आप सिर्फ नोबल गैसेस नहीं बता सकते। मतलब ऐसे थोड़ी करेंगे अपन, चलो सर सीएल नेगेटिव है 18 इलेक्ट्रॉन है लिख देते हैं आर्गन, लो हो गलत हो जाए। आपको ऑर्बिटल कुछ तो लिखने ही पड़ेंगे इसके बाद, नोबल गैस के बाद। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये 18 है तो 18 से छोटा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई नियॉन का 10 ले लेते हैं और फिर 3s2 लिख लेते हैं और p6 लिख लेते हैं, ऐसे लिख। ओके सर। बोलो सर, इसमें सबसे पहले 4s2 क्यों निकाला 3s? अच्छा बता, फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है या थर्ड शेल से? फोर्थ शेल से। इससे फोर्थ शेल से तो निकाला मैंने, फोर्थ शेल से। यस। अब एक बात को ध्यान रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसा होता है, ये 4 पहले आ गया 3 बाद में आया, 5 पहले आ गया 4 बाद में आया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सिर्फ। बाकी सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमको शेल रूल फॉलो करना होता है। सर वो 2818 हाँ, सब सभी जगह सब कुछ पढ़ने के लिए अपन को शेल रूल फॉलो करना होगा, समझ में आया? इसलिए yes, अपन अब अपन दूसरे पे। यार वो स्कैंडियम में हम लोग आर्गन 3D1 में लिख सकते थे, लिखा ना अपन ने आर्गन 3D1, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी ना अपन स्कैंडियम प्लस 2, वो तो अपन ने बोला ना। यहाँ सर वो स्लाइड दिख नहीं रहा इसके। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। अब अपन मैग्नेटिक कैरेक्टर ना होता है व्हेन द सो स्टडी ऑफ एटम इन द मैग्नेटिक एटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक एक्सटर्नल अपन सबको पता है व्हाट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक। वो मैग्नेटिक का जो फील्ड होता है उसमें एटम को रखेंगे। तो देख दो टाइप के मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, एक होता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है कि व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट शोज डिफ्लेक्शन। सो व्हेन एटम और आयन और मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट शोज डिफ्लेक्शन। तो अपन कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। सो ऑल atoms or ions or molecule having unpaired electron, you know what is unpaired electron? Yes sir. Unpaired electron is paramagnetic. So apan kahenge sir ek baat batao, paramagnetic hai na, अपन कहेंगे अपन सबको पता है मैग्नेट होता है ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल होगा, उसका अपना एक फील्ड होता है,
उस फील्ड में अगर अपन एटम को रख ले, मान लो अपने पास कोई एटम है और उस एटम को इस फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या होंगे, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन इनसे इंट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुए, इनसे इंट्रैक्ट करेगा तो वो ऐसे 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 डिफ्लेक्ट होगा, मतलब इसमें ना ऐसे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, इधर इससे रिपेल होगा या इससे रिपेल होगा, तो जब रिपल्शन की वजह से उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक उसमें डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा तो अपन कहते हैं वो पैरामैग्नेटिक। इट इज कैलकुलेटेड एज द मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड एज, उसका स्ट्रेंथ जो है ना अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड एज, कैलकुलेटेड एज, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट को अपन डिनोट करेंगे ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट उसको अपन डिनोट करते हैं म्यू से, and that is equal to the under root of n into n plus 2, और अपन को लिखना था बोर मैग्नेटॉन, बी एम लिखने का बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, है ना, तो इसको अपन बी एम कैसे लिखते हैं। तो अगर किसी के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट ऑफ 2 आएगा, ठीक है, सो इफ n इक्वल टू 1 देन म्यू विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 होगा तो 1.41 कितना आएगा रूट ऑफ 2 राइट ना, नहीं 3 आएगा, 1 होगा ना 1.732 बी एम, और अगर एन का वैल्यू 2 होगा तो म्यू विल बी इक्वल टू 2.8। अरे नहीं समझा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं समझा, तो देखना अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना जब अपन, तो वो ना ऐसे देख मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंट्रैक्ट करके ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा ना तो इसका मतलब मैग्नेटिक उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, मतलब उसका एरो जो अपन ऐसे कैंसिल कर लेते हैं ना कि एक का स्पिन इधर है एक का स्पिन इधर है तो कैंसिल हो गया मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ और साउथ कैंसिल हो गया, लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ ना सर, अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ तो ये खुद भी मैग्नेट है और ये दूसरे मैग्नेट के पास लेके जा रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन होगा राइट, जब इसको दूसरे एक बड़े मैग्नेट के पास लेके जाओगे ना तो वो मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा और डिफ्लेक्ट होगा तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है राइट, वो अब अपन कर सकते हैं, अगर अपने पास n का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू 2 हो गया तो रूट ऑफ तो 2 इंटू 4 ना, सो 2 इंटू 4 मतलब 8, रूट ऑफ 8 लेंगे तो 2.87, अगर n का वैल्यू 3 है तो किसका 4.41 हो गया रूट 3 का वैल्यू हो गया मैंने, रूट 3 कितना आएगा सर, रूट 2 होगा ना 1.41, अब भैया मेरे ये ले एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ओके, हाँ सर रूट में रखा तो कोई प्रॉब्लम है, रूट नहीं रखा तो प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कहेंगे फॉर्मूला गलत हो जाएगा और क्या, कैलकुलेटेड एज अपन ने ऐसे लिखा है क्योंकि है ना, तो अपन को मैग्नेटिक मूवमेंट अपनी तरफ से थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं सर मतलब वैल्यू रूट में ही रखा तो कोई प्रॉब्लम हो क्या, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर पता होगा तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वैल्यूज ऐसे दे देते हैं 3.90, एन का वैल्यू अगर 4 है तो 4.8, एन का वैल्यू 5 है तो 5.83। अगर ये वैल्यू गिवन है तो मान लो अपन को ये वैल्यू 3.90 गिवन है तो n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है इसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग कर क्वाड्रेटिक बना के और कर लो, यस सर, तो अपन कहेंगे क्वाड्रेटिक काय को बनाएंगे, सर आपने बता तो दिया, देखना जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, yes. ना यस सर, तो अपन कैलकुलेट नहीं करने वाले, पर तो कहेंगे अच्छा 3.90 तीन अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो लिख के बताया, नहीं तो काय को लिख के बताता है ये सब।
मेरा काम तो यही है ना कि इजी कर दो आप सारी चीज, तो अपन क्या करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ये अपन को याद हो जाएगा कि भाई ठीक है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अपन को मैग्नेटिक मूवमेंट पता होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, वो अपन को पता चल गया। भाई मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है वो अपन को पता चल गया कि अगर एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो अगर एटम के अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और इंटरेक्ट करेगा तो ये मतलब वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो अपन बता देंगे कि भाई इसका मतलब है इसमें मैग्नेटिक, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं है, इसलिए ये मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। ठीक है, ओके सर। तो अपन को एक बात पता चल गया कि डेसिमल से पहले वाला नंबर ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक दूसरा होता है डायमैग्नेटिक का मतलब है, ठीक है अपन डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या होगा, व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो डिफ्लेक्शन या फिर नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन। व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड या मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इट शो इट इट डू नॉट शो डिफ्लेक्शन और नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन। अब नेग्लिजिबल लिखोगे तो बहुत कम मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो थे ही, नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन, तो फिर उसको अपन कहेंगे डायमैग्नेटिक। तो इसमें अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो द एटम मॉलिक्यूल्स विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो द एटम्स विद ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायमैग्नेटिक। तो ठीक है, अपन को पता चल जाएगा भाई डायमैग्नेटिक कैसे है और पैरामैग्नेटिक कैसे है। तो अब ये बताओ आपकी एटम लिखोगे कहां से, तो चलो भाई देखते हैं अपन। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास गिवन है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास गिवन है कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मेरे पास ऐसे गिवन है टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज AR18 और 4s2 और 3d2। तो अब अपन को पता है ये तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो अपन कहेंगे इसमें ना डी के लिए अपन क्या करेंगे, 3d के लिए डी के 5 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बनाते हैं, 5 बॉक्स बनाते हैं। अपन को पता है 1 2, ये अपन ने सीखा हुआ है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा आप पेयरिंग नहीं कर सकते, कितने बाकी सब तो पेयर्ड होंगे ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, therefore mu is equal to आ गया मेरे पास 200 bm बोर मैग्नेट्रॉन, यही है। अब बताओ किसी को डाउट है तो, अब मान ले सर मैंने अपने ऐसे लिखा, मान लेते हैं कि ऐसे मेरी मर्जी में तो ऐसे लिखूंगा, हाँ तो ठीक है मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख देता हूँ, इसमें 18 है, 4s0 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा। तो इसको देखते ही अपन को पता चल रहा है भाई दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन बता देंगे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो n का वैल्यू 2 और म्यू इज इक्वल टू 2.8 बी है। तो अपन कहेंगे सर अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे लिखूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं 18 हो गया, अब इसमें से जो दो अनपेड थे वो भी आपने निकाल दिए, भाई पहले तो ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो फिर सारे के सारे पेयर्ड बचे, फिर तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, 2s2 p6 3s2 p6, अब p6 होगा तो p में 6 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम होते ही, तो फिर n का वैल्यू 0, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू का वैल्यू 0, इट्स डायमैग्नेटिक। अपन बता देंगे भाई कि देखो ये वाला डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मूवमेंट लिखोगे तो पैरामैग्नेटिक तो होगा,
ये भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है, तो अपन लिख सकते। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा सर फिर तो बड़ा इजी है ये, तो आप इनमें से किसी को भी पूछ लो, मैं बता देता हूँ कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है और किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। आप सब में पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ इसमें एन का वैल्यू कितना होगा। बोलो जीरो, एन का वैल्यू हो जाएगा कितना, वन। देख भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, डी ऐसे होते हैं और डी में सिक्स का मतलब है कि आपको ऐसे फिल करने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अब पेयरिंग शुरू होगी, पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। यस सर। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, चार। समझे ना बेटा, इसमें गलती नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेटिक कैरेक्टर अपन से बिल्कुल पूछेंगे। तो अपने पास आया और म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बता देंगे भाई 4.85 लिख लेते हैं, आपने बताया तो था अभी, बता देते हैं 4.85 bm। हां तो 4.85 bm ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी n का वैल्यू कितने, उतना ही रहेगा, n का वैल्यू 4 आएगा। आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाले, इससे थोड़ी निकाले, तो अपन क्या करेंगे, म्यू विल बी इक्वल टू 4.85 bm, है ना, ये लो। yes. और इसमें सर n का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 आएगा, n का वैल्यू 5 आएगा, सर 5.83 bm, और म्यू विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका जो भी आएगा, ओपन लिख, ये आ गया, ये आ गया अपने पास। अब किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर, नो सर, है ना। Yes. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन को देखना होता है, तो अगर किसी को डाउट है अनपेड इलेक्ट्रॉन में तो बोलो भाई, कैलकुलेशन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो फिर मैं कुछ एग्जांपल इधर दूंगा, तुम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताओगे। सो एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, कैलकुलेट द नंबर। हाँ बोलो सर, एक बात सर, जैसे कि पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक मोमेंटम है सेकेंड ऑर्बिट में 2.87 है, तो सर अगर हम उसको अप्रोक्सीमेट करें तो 3 हो रहा है ना सर, तो फिर हमें ऐसे ही याद रखना है कि सेकेंड ऑर्बिट में उसका मैग्नेटिक मोमेंटम है वो 2 है, 2 के आसपास रहेगा वो, ऐसे कर लेंगे 2.87 ना। हाँ सर उतनी बात, अरे अपन याद रखेंगे ना सीधा सीधा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो mu is equal to under root of 2 into 2 plus n, अपन लिखेंगे 2 plus 2, तो अपन को पता है ना under root of कितना है, 4 plus 2, तो root of 8 bm अपन को याद है ना। अब root of 8 लोगे तो obviously बात है 3 से तो छोटे ही आएगा, लेकिन 3 के आसपास आएगा, है ना, तो वो अपन याद रखें। एक मतलब ना किसी ने कुछ पूछा है, लेकिन क्या पूछा है मेरी समझ में नहीं आया। N unpaired electrons ही है ना, हाँ बिल्कुल, it is not number for the shell, ध्यान रखना है, N is not the number for the shell, it is number of unpaired electrons, ठीक है। Calculate the number of unpaired electrons and magnetic moment. Of the following. चलो भाई मैं ऐसे, एक तो मेरे पास ऐसे दूसरा मेरे पास ऐसे, सी मेरे पास NIB गिवन है, डी मेरे पास वैनेडियम भी गिवन है, ई मेरे पास Mn प्लस थ्री, एफ मेरे पास Cl गिवन है,
जी मेरे पास नियॉन गिवन है और एच मेरे पास नाइट्रोजन माइनस। मैं सबके एटॉमिक नंबर लिख दूं लेकिन चार्ज के साथ नहीं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ चलेगा सर एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ लेकिन मैंने चार्ज वार्ज का कुछ नहीं किया, मैं तो न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। बाकी चार्ज के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, मैं नहीं बताता। यस सर डन हो गया। यस सर शुरू करूं? यस सर डन। या रुकना है? बताओ भाई। सर एक मिनट रुको। एक मिनट रुक जा। बहुत मेहनत। सबको करने देते हैं क्योंकि वो ठीक रहेगा।
हाँ सर हो गया, सबसे हो गया। हाँ सर हो। चलो भाई शुरू करते हैं अपन, है तो चेक करते हैं। और पहले मैं आंसर लिखूं या मतलब एक्सप्लेन करते हुए आंसर लिखूं? तो पहले सिर्फ आंसर लिख दे। चल लिख दिया आंसर। एन इक्वल टू डी सेवन मतलब तीन एन पैड 3.9 27 तो एन इक्वल टू 3 म्यू इज इक्वल टू 3.9। अब वो बी एम लिख लेना आपने, एन इक्वल टू 0 म्यू इज इक्वल टू 2.8। तो वेनेडियम मतलब 3d3 तो 2 एन इक्वल टू 2 तो म्यू इज इक्वल टू, और ये तो 0 होगा ना, और n इक्वल टू लिखेंगे mn ना 25 तो 4.8 cl ना n इक्वल टू 1.732 n इक्वल टू 0 μ इक्वल टू 0 n इक्वल टू 2 μ इज इक्वल टू। ये लो भाई अब बताओ। यस सर। किसी को डाउट है? नो। किसी को मुझे एक्सप्लेन करना है इनमें से किसी को भी? चैट में ही लिख दो कुछ तो लिखो, अगर अगर करना है तो ही लिखना, ऐसे नहीं कि चलो अच्छा पूछ ही लेते हैं सर, आप इतना अपन आप इतना वो कर रहे हो कि मतलब पूछो 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 तो चलो लो बताओ। चलो अच्छा नो सर लिख रहा है, मैंने सोचा पूछ लिया, ठीक है अगर किसी को डाउट नहीं ना। अच्छा एक बात और, डी वाला पूछा, चल अच्छा डी वाले को देखते हैं। मैं डी वाले की बात, वेनेडियम होता है बेटा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3, तो अपने पास ये था Ar 4s2 3d3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब वेनेडियम प्लस थ्री करना था ना अपन को, तो प्लस थ्री के लिए दो इससे निकालूंगा और एक इससे निकालूंगा, तो अपने पास बचेगा क्या, Ar 3d2 बचा अपने पास। अब 3d2 का मतलब हो गया कि 5 ऑर्बिटल बनाते हैं अपन डी के, और दो में इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अनपैड इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो दो अनपैड इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने लिखा टू इलेक्ट्रॉन। सर निकेल में n = 2 आ रहा है इस वाले में? हाँ सर। मैंने लिखा भी था पहले शायद, उधर जीरो देख के इसको गलत कर दिया, 2.8 आ रहा है मेरा भी आ रहा है भाई उधर। okay, पहले लिखा इसमें लिखा था 2.87 n इक्वल टू 0 हटाना था, वो थोड़ी हटाना था 2.87 n इक्वल टू 2 लिखना था, पहले लिखा था ना वो मिटा दिया था, वो इसको देख के इसको मिटा दिया इसको इसको करना था 2, वो वही वो सही लिखा था सही है। ठीक है तो अब एक बात और होती है, देख जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना वो कलर्ड भी होते हैं, और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो अभी अपन बस याद रख लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड बता दूंगा अगर कोई पूछेगा, तो डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस, मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है, बट अभी के लिए अपन ऐसे कि कौन सा कलर्ड है कौन सा कलर्ड है। इसके अलावा इसमें अगर मान लो मेरे पास एक ऐसे केबल है, अब मैं एक और प्रश्न, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट,
स्टेट ऑफ मैटर, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है. इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 26 and have the magnetic moment of 1 ही आंसर. मैं थोड़ा ज्यादा जानना चाहता था कि एक से ज्यादा आंसर है तो और मजा आता. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मुझे गिवन है, दैट इज तो फिर वो आयन पे डिपेंड होगा ना, 4.8. हाँ बिल्कुल, उस पे डिपेंड होगा. तो इस बार देखो ना, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है. पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट देते थे और मैग्नेटिक मोमेंट पूछते थे, अब आपने मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो अपन को ये तो पता चल गया आंसर में. अपन को ये तो तुरंत पता चल गया भाई आंसर की बात करते हैं. सर देखो, एक बात तो है कि n इक्वल टू 4 बनाना है, और डेसिमल के पहले वाला नंबर ना. अब अगर न्यूट्रल एटम होता तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, Ar 4s2 3d6 लिखते ना. यस सर. यस. अब अपन कहेंगे कि देखो, अब अपन पूरा बनाएंगे, क्योंकि अपन को क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. तो अपन कहेंगे देखो सर, अगर इसका ये जब तक तो जीरो रहेगा, इधर चेक करते हैं. मेरे पास ये Ar है और ये 4s है और ये 3d. अगर 4s होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसमें पहले से 4 है. अरे फिर तो मजा आ गया अपन को. तो अपन कहेंगे देखो ऑक्सीडेशन, अब अपन इसको ना रुकना, एक मिनट रुकना यार, नहीं तो मजे होंगे ना. अपन कहेंगे सर कौन सा एन बताना है, पहले तो ये बताओ. इसको ना एक्स पॉजिटिव करते हैं, है ना. तो एक तो अपन को आ गया कि भाई x का वैल्यू जीरो लिख लो आप, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट आप जीरो लिख सकते हो ना. यस, जीरो लिख दो. yes. न्यूट्रल बताऊंगा. सो x इज इक्वल टू जीरो. और कुछ हो सकता है तो अपन कहेंगे इससे दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, जब आप इसको आयनाइज करोगे ना, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन ये निकालोगे ना. यस सर. अगर इलेक्ट्रॉन दो निकालोगे तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं ना अपन, तब भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही तो रहेगा, 4.85. हाँ सर. इसके दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे. यस सर. यस सर. तो एक्स का वैल्यू 2 भी लिख लूं? यस सर, 4 भी आ जाएगा ना. अब 4 कैसे आएगा यार भैया मेरे. अच्छा ये कह रहा है कि 4 भी आएगा, पता कैसे? इनके 4 को निकाल, इनको 2 निकालो और एक इससे निकालो, और अब एक इससे निकालो. ये 6 इलेक्ट्रॉन था ना, वो कह रहा है कि दो इससे निकाल दो, एक इससे निकालो और एक इससे भी निकालो, तब भी तो 4 बचेंगे. अच्छा आंसर बन गया, मस्त बन गया, मजा आ गया. मुझे लग रहा था इतना अच्छा नहीं बना. और भी आंसर नहीं है भाई, इससे ज्यादा नहीं होंगे यार. उससे ज्यादा अपन अंदर वाले शेल से निकालना थोड़ी शुरू कर देंगे. हां सर, फिर है ना, तो अंदर वाले फुल टाइम से आते जाएंगे. हां नहीं, अपन कहेंगे फिर एक काम करो सर, वो 26 लिखाना प्लस 22 कर दो, 4 ही बचे. ठीक है, 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, अब कर लो जो करना है. ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे अपन, कहेंगे ये इतना बता दे, ऑप्शन बनाएंगे वो कुछ ना कुछ ऐसे, तो अपन तो बता देंगे अपन की दिस इज द, है ना, जिसमें अपन को 4 अनपेड. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते. अब मैं एक और पार्ट पे चलते हैं अपन, तो आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह सब कुछ पता चल गया. अब अपन आते हैं एक पार्ट पे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल
ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे अपन, देन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स अगर अपने पास ऑर्बिटल्स गिवन है ना, जैसे राइट ना, तो अपन कहते हैं कि भाई अगर कोई फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, फुली फिल्ड का मतलब है जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, लाइक दैट, उनको अपन फुली फिल्ड बोलते हैं। ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड, अगर वो आधे फिल्ड है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है अगर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स, तो इस स्टेप से हमको देखना, राइट। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, जैसे अपने को फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स गिवन है ना, अगर तो अपन कहेंगे भाई जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर पी सब पीआर, तो अपन कहेंगे जैसे फुली फिल्ड है तो आपको पी सिक्स लेना पड़ेगा, मतलब पी सिक्स जैसे यहां पर हो गया तो पी सिक्स इज मोर स्टेबल देन पी फाइव, मोर स्टेबल देन Not P5, it is P3, ये अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, तो मतलब मैं ऑर्बिटल बॉक्स के फॉर्म में बनाना चाहता हूं तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा पर। जैसे फुली फिल्ड का मतलब हो गया P6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये फुली फिल्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर अपन हाफ फिल्ड बनाएंगे, हाफ फिल्ड इज लाइक 1, 2, 3, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही लिखोगे, आपकी मर्जी, आप ऐसे कर सकते हो 2, 3, ये हाफ फिल्ड, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड मतलब ऐसे फुली फिल्ड अगर 6 है तो हाफ फिल्ड 3 हो गया, तो इसके अलावा कोई भी नंबर हो पर पार्शियली फिल्ड, P1 लिख लो या P2 लिख लो तो भी पार्शियली फिल्ड होगा, या फिर आप P4 लिख लो तो भी पार्शियली फिल्ड, ये P4 या P5 लिख लो पार्शियली। तो अब ये तो अपन को पहले से पता है कि आप ऊपर की तरफ लिखो एरो या नीचे की तरफ लिखो एरो, अपन को फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ने हैंड स्कूल में पढ़ा पाया। अब अपन कहेंगे सर ये जो स्टेबिलिटी है ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और आप ऐसे लिख कैसे रहे, तो अपन कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एक तो फैक्टर होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे एनर्जी डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन, सो द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ऑर्बिटल्स, the exchange of electron between the orbitals, orbital is a exothermic phenomenon, is a exothermic phenomenon, exothermic phenomenon, या process भी लिख सकते हो, exothermic process, so exothermic process, अगर exothermic process है इसका मतलब है एनर्जी रिलीज होती है, तो एक बार सब दिखाओ जरा कैसे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है फुली फिल्ड, तो इसमें फुली फिल्ड में पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्सचेंज हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब आपस में ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, सो हियर इट विल बी द 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, लेकिन अगर हाफ फिल्ड होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, अगर अपने पास ऐसे होगा तो इट विल बी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो ये इधर एक्सचेंज होगा, इधर ये एक्सचेंज होगा, सो और इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द ऑर्बिटल्स विद ओनली एंड ओनली द ऑर्बिटल्स लिखना है मुझे, ओनली द ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी एंड ओनली द ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी
with same energy. Same energy can exchange their electron among them. Can exchange their electron. Electron अब अपन कहेंगे सर ये ना जो सेंटेंस है ये अपन को क्लियर नहीं हुआ अच्छे से है ना, ये एक्सचेंज है क्या और इससे मुझे क्या फायदा। ठीक है अच्छा एक बात देख, जैसे अपन क्या कहेंगे मान लेते हैं अपने पास ये पी आर, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, और मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन इसमें, बताओ एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे या अलग अलग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे? एक ही ऑर्बिटल में, राइट ना, सबको समझ में है? अलग अलग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे। ये तो बड़ी अलग गड़बड़ बात है, अपन तो सब सोच रहे थे एक ही ऑर्बिटल में होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, पता क्या होता है एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल किया, चार्ज थोड़ी कैंसिल किया होंगे भाई, नेगेटिव चार्ज तो दोनों का भी। आप एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा उसमें, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन रख रहे हो तो उनमें रिपल्शन नहीं होगा। एक ही ऑर्बिटल भाई, आपने चार्ज थोड़ी कैंसिल किया, आज तक आप यही तो बताते आए, अप स्पिन डाउन स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल, इससे अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा तो किससे, मैग्नेटिक मोमेंट अट्रैक्शन होगा, कोई चार्ज का अट्रैक्शन थोड़ी होगा, चार्ज तो फिर भी होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन तो फिर भी होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर ओके मान लिया, अब ये तो बताओ, चलो ये हमें समझ में आ गया कि भाई ठीक है आज तक आपने कभी नहीं कहा कि दोनों का चार्ज कैंसिल, आपने हमेशा यही कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होता है जिससे उनमें अट्रैक्शन होता है, लेकिन आपने चार्ज कभी नहीं बताया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि हमें उसके चार्ज को ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर समझना चाहिए rather than मैग्नेटिक। ठीक है अब आप मुझे ये बताओ ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है क्या, मतलब ठीक है अभी भी आपने मतलब जो मुझे बताया उससे आपने यही बताया कि अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे उनमें कम रिपल्शन होगा rather than कि वो एक ही ऑर्बिटल। एक बात देख, अगर अपने पास तीन ऑर्बिटल है और तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकता है, तो इन दोनों में जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे, तो इनके बीच में जो एक ही ऑर्बिटल में रहने से जो उनमें रिपल्शन होता ना, वो अगर इधर उधर भागते रहेंगे तो उनमें भागने में उनमें उनका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा ना, भागने में ये कभी इधर आएगा, ये कभी इधर जाएगा, 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 तो वो भागते रहेंगे ना एक दूसरे में, अगर वो एक दूसरे में भागते रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनमें जो रिपल्शन होना चाहिए एक्चुअल में वही दोनों होने से वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, वो रिपल्शन अगर डिक्रीज होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसको कहते हैं एक्सचेंज। तो ये और ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो, अगर ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है, जैसे ये दोनों ऑर्बिटल है या ये दोनों ऑर्बिटल, तो इनमें एक्सचेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं होगा, वो क्यों, क्योंकि ये दोनों में इलेक्ट्रॉन है तो इन ऑर्बिटल के साइज अलग होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका साइज अलग होगा भाई, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी, इससे इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो ओनली दोज ऑर्बिटल जिनके शेप साइज सब कुछ सेम होंगे, क्योंकि इसमें सारे फिल्ड थे ना, तो इन सब की एनर्जी भी एक जैसी होगी, तो इनमें एक्सचेंज ज्यादा है, इसमें भी सारे के सारे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये भी सारे के सारे सिमेट्रिक है, इसलिए इनमें एक्सचेंज ज्यादा है, इसमें अपन कहेंगे एक्सचेंज इसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन का होगा, इसमें भी सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी अलग है, आपने लिखा Only the orbitals with the same energy can exchange their electron among them. जिसकी एनर्जी डिफरेंट होगी वो नहीं एक्सचेंज कर सकता, सिर्फ ये दोनों का। तो अपन कहेंगे ठीक है मान लिया कि भाई एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उनमें रिपल्शन कम होगा,
So exchange of electron among the orbital decreases the repulsion among the electrons. So steadily. Exchange of electron among the orbitals decreases the repulsion between electrons. So stability. इसलिए उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, राइट? ये तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मान लिया आपने जो कहा कि भाई इसमें रिपल्शन कम हो रहा है तो हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने जो ऑर्बिटल यहां नहीं लिखा वो भी मुझे दिखाओ। ये एक यहां पार्शली वाला ऑर्बिटल आपने लिखा था, लिखा नहीं वो भी मुझे दिखाओ। अपन कहेंगे एक बात बताओ, यहां पर तो चार इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा और यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो फिर जब इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है तो चार इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है जबकि यहां तीन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, और एक्सचेंज चार इलेक्ट्रॉन का नॉट द रिपल्शन, वी आर राइटिंग एक्सचेंज चार इलेक्ट्रॉन का, यहां तीन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो यहां एक्सचेंज ज्यादा हुआ फिर तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बताओ फिर, क्योंकि यहां तो तीन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो फिर कहेंगे भाई स्टेबिलिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, एक तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा सिमेट्री। सिमेट्री तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे ना वो ऐसे होंगे, दो ऑर्बिटल का साइज एक जैसा होगा और एक ऑर्बिटल का साइज डिफरेंट होगा, दो ऑर्बिटल का साइज एक जैसा है इन दोनों का और एक ऑर्बिटल का साइज अलग होगा। तो अगर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। सो सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स orbitals are more stable, than unsymmetrical. Orbitals. These are more stable than the unsymmetrical orbitals. तो ये orbitals में इसलिए अपन कहेंगे अगर किसी का, इसलिए तो अपन noble gases को बोलते हैं काफी ज्यादा stable क्योंकि उनके सारे orbital filled होते हैं। So fully filled orbitals are more stable than partially than half filled orbital. They are more stable than partially filled orbital for any subshell. These are the factors. तो अपन बता देंगे भाई हमेशा fully subshell अगर orbital है ज्यादा stable होगा half filled से और ज्यादा stable होगा partially filled से। अपन को energy of orbital तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, energy of subshells एनर्जी ऑफ सबशेल्स में भी नो दैट एस की एनर्जी कम होती है पी से, पी की एनर्जी कम होती है डी से और डी की एनर्जी कम होती है एफ से, इसलिए सभी शेल्स में पहले अपन एस को फिल करते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पी को और पी के बाद डी को और डी के बाद एफ। इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, स्मॉल डिफरेंस इन दोनों में चेक करेंगे तो भी स्मॉल डिफरेंस, अगर आप इन दोनों में चेक करोगे तो भी स्मॉल डिफरेंस। तो सर लिखने की फायदा क्या है ये सब स्मॉल डिफरेंस में, लेकिन अगर आप इन दोनों में चेक करोगे तो लार्ज डिफरेंस होता है, और अगर इन दोनों में चेक करोगे तो भी लार्ज डिफरेंस। अच्छा तो बाजू बाजू वाले जो नेबर्स होते हैं उनमें कम डिफरेंस होता है, बिल्कुल, और जो ऑल्टरनेट नेबर्स होते हैं मतलब जो मेरे बाजू में होता है उसके उसके बाजू वाले ज्यादा डिफरेंस होता है, बिल्कुल। तो फिर एस और एफ में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता होगा एनर्जी का, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस, राइट? तो एक बार अब ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है, अब ये बताओ कि पढ़ाया क्यों स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, कुछ मतलब इससे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो पूछेंगे,
और अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसका यूज है। तो चलो देखते हैं उसका यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। एक मिनट रुकना है। हाँ जी भाई, अब ना अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका यूज करना था, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका यूज करते हैं अपन। ओके, वी रीड द इलेक्ट्रॉनिक। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉज ऑफ इंडक्शन, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है या तो वो एक्सेलरेट करे या हम उसके प्लेस को चेंज करें, पोजिशन को, और मैग्नेट को प्लेस करें, तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है। तो सर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा था और मैग्नेट को हमने प्लेस किया तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं इंड्यूस हुआ, जनरेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर सिर्फ यहाँ पर ना एक्सेलरेशन में मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। मतलब सर इलेक्ट्रॉन नहीं रोटेट कर रहा था या रिवॉल्व? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था ना अपने पोजीशन पे, तो सर मतलब होना चाहिए था ना फिर। हाँ, तो उसी की एक बात बताओ, आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में मूव कर रहा था, आपने ऑर्बिट ये कौन है भाई? सॉरी सर, वो मेरा भाई था। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो अगर मूव कर रहा था तो उसी का तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मतलब वो इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड से तो बता रहे हैं अपन। भाई अपन ने ये तो बताया ही ना इलेक्ट्रॉन को ऐसे, कि यही तो इंटरैक्ट कर रहा था जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल था। तो एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, उसी के बेसिस पे तो अपन उसमें बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके डिफ्लेक्शन। सॉरी सर, लेकिन अभी भी नहीं समझा मुझे। तो फिर से क्वेश्चन बोल, मैं तेरे क्वेश्चन को ही पकड़ के तुरंत बता दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फैराडेस लॉज ऑफ इंडक्शन के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है या तो वो एक्सेलरेट कर रहा है या उसके पोजीशन को हम चेंज करते हैं, तो मैग्नेट को अगर हम प्लेस करें तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होता है। तो सर यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर था, तो हमने मैग्नेट को प्लेस किया और जो इलेक्ट्रॉन था उसका डिफ्लेक्शन हुआ, हमने जो तो वैल्यू निकाले, तो सर यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होना चाहिए था ना, है ना? तो सर कैसे है ना इलेक्ट्रिसिटी, ये ले, ये मैग्नेटिक अपना मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ सर, ये उसका फील्ड है। अब एटम को प्लेस किया तो एटम में शेल्स थे ना। हाँ सर। अब जो इलेक्ट्रॉन शेल्स में मूव कर रहा है, दैट इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल ना। हाँ सर। हाँ, तो उसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, उसमें एक मैग्नेटिक, तो उसी का तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर रहा है। ओके सर, तो सर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चाहिए ना, मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई ना,
इसमें तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो नेग्लिजिबल हुई ना, एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है? ओके सर, है ना भाई। अपन देखो जैसे अपन वायर में बोलते हैं ना 240 वोल्ट होता है, अपने घर में जो लाइव वायर होता है 240 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। मुझे नहीं पता एसी वगैरह में तो 240 तक जाता है, चलो मान लेते हैं। मैं क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो ट्रेन के वायर का एग्जांपल दे दूंगा 10,000 वोल्ट, ठीक है ना। तो उसके फिर जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना बड़ा उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझे ना। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा तो हमें लाइव वायर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो जनरेट कर रहा है। इधर भी तो वही हो रहा है कि एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड को तो इंटरैक्ट करवा रहा हूं मैं इसके साथ, वरना इलेक्ट्रॉन थोड़ी मैग्नेट होता है। ओके सर, राइट ना, इलेक्ट्रॉन या एटम थोड़ी मैग्नेटिक होता है, वो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिससे कि मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको इससे इंटरैक्ट करवा दे रहा हूं। अगर पेड इलेक्ट्रॉन होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल हो जाता, फिर मैं कैसे उसको इंटरैक्ट करवा पाता। ओके सर, ठीक है। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन कहेंगे भाई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन सीएल के, तो अपन कहेंगे ठीक है 17 होता है, 1s2 2s2 p6 3s2 और p5 होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन क्रोमियम के लिए, ये 24 अपन लिखेंगे 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और 3d4। अपन क्या कहेंगे सर, देखो एक बार अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें अपन इससे, तो ये 4s2 4s1 हो जाएगा, मतलब फुली फिल्ड से हाफ फिल्ड हो जाएगा, लेकिन ये पार्शियली फिल्ड से हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ऐसा क्यों करें, इससे क्या फायदा। तो अपन कहेंगे देखो सर, अभी अभी अपन ने पढ़ा एस का एनर्जी कम होता है पी से, पी का एनर्जी कम होता है डी से, और डी का एनर्जी कम होता है एफ से। जो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत लार्ज है, अगर हम इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना के इसको स्टेबलाइज करें ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है पार्शियली फिल्ड है, अगर हम इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना के इसको स्टेबलाइज कर दें तो एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी। मतलब अगर मान लो इसकी एनर्जी अपन मान लेते हैं कि 2 kilocalories, इसकी एनर्जी अपन कहेंगे 3 kilocalories, इसकी एनर्जी अपन मान लेते हैं कि भाई 6 kilocalories, और इसकी एनर्जी अपन मान लेते हैं 9 kilocalories स्टेबिलिटी के टर्म। तो अपन कहेंगे सर इसको अगर अपन अनस्टेबल बनाएंगे तो भाई क्या होगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेबल बन जाए, जो पार्शियली फिल्ड है तो इसकी एनर्जी होगी बहुत कम, मतलब पार्शियली फिल्ड है तो इसकी एनर्जी 2 हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे अनपेड है। लेकिन अगर इसको हाफ फिल्ड बना दिया जाए तो इसकी एनर्जी 4 के आसपास हो जाएगी, मतलब एक एनर्जी मैंने उसमें यूज करके 4 एनर्जी लिबरेट करवा लिया, मतलब थोड़ा सा एस को अनस्टेबल बना के मैंने डी को स्टेबलाइज कर दिया। मतलब अगर इसको अनस्टेबल बना के इसको स्टेबलाइजेशन किया जा सके तो कर दो, इसको अनस्टेबल बना के इसको स्टेबलाइज कर दिया जाए तो कर दो, लेकिन इसको अनस्टेबल बना के इसको स्टेबल करोगे तो मत करो, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसको अनस्टेबल बना के इसको स्टेबलाइज किया जाए तो मत करो, क्योंकि दोनों में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, नेबर्स में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट नेबर में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है। आप इसको डिस्टेबलाइज करके इसको अगर स्टेबलाइज करते हो तो कर दो, लेकिन डिस्टेबलाइज का मतलब ये नहीं कि इधर ऐसे था तो सर ऐसे भी कर दें, इसको दे ही देते हैं इसको, तो अपन कहेंगे फिर आपने एस का तो सिग्निफिकेंस ही खत्म कर दिया, आप जीरो नहीं कर सकते किसी को, आप फुली फिल्ड से इसको पार्शियली फिल्ड कर लो लेकिन ये हाफ फिल्ड हो गया तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो और होगा क्या कि हमें क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है,
हमने क्या किया, हमने फोर्थ शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो एनर्जी इमिट ही होगी, यूज नहीं होगी। हम लोअर शेल से हायर शेल पे जाते तो एनर्जी यूज होता है, अगर आप हायर शेल से लोअर शेल पे आ रहे हैं तो एनर्जी लिबरेट ही होगी और स्टेबलाइज भी होगी। इसको थोड़ा अनस्टेबल बना के अगर आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हो तो कर दो, इसको अनस्टेबल बना के इसको स्टेबलाइज कर सकते हो तो बिल्कुल करो 100%, क्योंकि लार्ज एनर्जी डिफरेंस है। इसको अनस्टेबल बना के मतलब हाफ फिल्ड करके इसको फुली फिल्ड कर दे तो कर दो, लेकिन एडजस्टेंट मन चेंज नहीं कर, राइट? तो पल कहेंगे ठीक है सर मैं ऐसे कर लेता हूँ, मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 जो है वो 1s2 2s2p6 3s2p6, इसको 4s1 और 3d5 लिख देते हैं, एंड इट विल बी एक्सोथर्मिक फिनोमेना, मतलब एनर्जी लिबरेट होगी, ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब दिस इज द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ सर, अच्छा ठीक है मेरे पास कॉपर है, तो कॉपर इज 29, लिखोगे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? यस, लिखो लिखो लिखो, वेट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, क्या करें? एक सेकंड, 4s1 3d10 हो जाएगा, 4s1 और 3d10। अब तो यहाँ इसको हाफ फिल्ड करके ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आने वाला है, तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s2p6 3s2p6 4s1 एंड 3d10। दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट। तो इसमें कर दूं ऐसा, इसका 1 के लेके इसको 1 दे दूं? यस हां सर, इसको इसको दे दें, कर दें सर भाई इसमें हैं? हां सर, नो सर, क्यों? मोर कमिट इफेक्ट होती, दोनों फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड हो रहा ना ये तो। अच्छा यस सर, हां सर, आपने कहा था एडजस्टमेंट नहीं करना क्योंकि उनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होती है, इसलिए ये चीज एडजस्टमेंट में कभी नहीं होगी। ओके, ये तभी होगा जब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर, नो सर, दैट इज। अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक जो अपने सिलेबस में होंगे वो 29 तक ही होंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे दोनों में। मेटल है ना, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, सो इनमें तो होगा, लेकिन बाकी एटम जो एटॉमिक नंबर 32 तक बस इनमें ही होता है, क्रोमियम और कॉपर में, तो आप ध्यान रखो, बाकी अपन बाद में कर सकते हैं। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ओके सर, और एसएफ में अगर हो सकता है तो बिल्कुल करो 100%, लेकिन होना तो चाहिए। एसएफ में भी लैंथेनाइड्स वगैरह होंगे, सेम होगा क्या उसमें? एक यहां से हां, एक ही होगा, मतलब उसमें भी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऐसे होगा। ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब बचा अपना रेडियो एक्टिविटी। अब तुम ये बताओ होमवर्क कितना हो गया? सर डीटीपी 9 तक, डीटीपी 9 बाकी है, डिस्कस करना। हाँ सर, वो दे दिया था आपने लास्ट टाइम, डीपीपी 9 मैंने लास्ट टाइम दे दिया था। और शीट, शीट मैं सेक्शन ई का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, P1 P2 का सेक्शन ई तक हो गया। यस सर, चलो भाई, तो सेक्शन इसमें ना लास्ट सेक्शन को छोड़ के बाकी सब कर लो। रेडियो एक्टिविटी वाला सेक्शन जो होगा ना उसको छोड़ के बाकी सब कर लो। रेडियो एक्टिविटी हो गई नहीं शायद, P1 P2। ओके सर,
तो आप सारा कर लो इसको, ठीक है ना। और एक्सरसाइज टू में कुछ किया अपन ने? नो सर। ये पार्ट वन में है और पार्ट टू में ये आपका होमवर्क। इधर ज्यादा कुछ नहीं होगा, इधर ही जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इधर कैलकुलेशन नहीं होगा। सर डीपीपी 9 लास्ट टाइम किया था। डीपीपी 9 तो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क थोड़ी, अभी का ये तो लास्ट टाइम मैंने दिया था, अभी डिस्कस नहीं किया। ओके सर। यस सर। ये होमवर्क है तो एक्सरसाइज 1 को ये सारे के सारे सेक्शन कंप्लीट कर लेना, अगर रेडियो एक्टिविटी का कोई क्वेश्चन आता है तो छोड़ देना। सर ये सब कल सुबह क्लास है 7 o'clock तक, तो सर अरे एक बात बताओ, 7 o'clock क्लास है, अच्छा याद आया, कल सुबह 7 o'clock क्लास है। ये बताओ yes, वो क्लास अपन 8 to 9:30 कर लें, तुम्हारी क्लास तो नहीं है ना 8 to 9:30? सर 8:45। कितने बजे है क्लास सर? 9:45 को है ना क्लास? यस सर। तो फिर 8 to 9:30 कर लेते हैं यार, 7 o'clock कैसे उठोगे बताओ? उठ जाएंगे सर। चलेगा सर, चलेगा सर। अरे 7 o'clock चलेगा? यस सर, कभी भी चलेगा सर, आपके कन्वीनियंस के ऊपर। हाँ सर, आपके कन्वीनियंस। नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अरे 8 to 9:30 रख दो, है ना, उठना बड़ा मुश्किल होता है पता, मेरी क्लास रोज हो जाती है 7 a.m. कल संडे में बीच में गैप भी है ना, तो फिर आप कर लो। हाँ, मतलब मेरा भी गैप हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी भी क्लास 9:45 से है दूसरी। ओके सर, चलेगा। 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा पता, मतलब घर वाले भगा देंगे अपन को घर से, कि संडे को भी नहीं सोने देते, है ना, तो कोरोना में कहाँ जाएंगे अपन बताओ। यस ठीक है, तो अपन कल ना 8 o'clock कर लेते हैं, 8 o'clock कर लेते हैं अपन क्लास, है तो 8 to 9:30 कर लेंगे अपन सब लोग ना, ठीक है? ओके चलेगा ना, कर लेते हैं। हां सर, ये होमवर्क कल नहीं होगा ना डिस्कस? नहीं कल कैसे हो पाएगा यार, कल अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो सर का होमवर्क डिस्कस नहीं होगा ना? नहीं, क्योंकि कल कैसे कर पाओगे, कल तक हो जाएगा ये सारा? नहीं सर, वही तो नहीं, तो अपन नेक्स्ट वीक में वेरी फर्स्ट क्लास जो होगा उसमें कर लेंगे जब भी हो। ओके सर। ओके सर, चलेगा। तो कल एनसीईआरटी का भी बाकी है, पोस्ट चैप्टर का आपने नहीं दिया? मतलब 12th तक एनसीईआरटी से कोई नहीं है ना आज होमवर्क? नहीं आज एनसीईआरटी से कुछ नहीं, मैं कल सुबह बताऊंगा। ठीक है सर, चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, गुड नाइट।